तो दोस्तों, स्टार्टिंग में लगे इंट्रो को तो आपने देख ही लिया होगा। इस इंट्रो को मैं बनाऊंगा पिक्सल लैब और काइन मास्टर की मदद से। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है पिक्सल लैब ऐप में। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा राइट साइड कॉर्नर पर 3 डॉट, यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आपको इमेज साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप करना है और यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लिख देना है। जैसे मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल देव, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद आपको ए वाले सेक्शन पे आना है। उसके बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन आपको दिखेगा ए बी फंड का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको माई फंड वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद जो है दोस्तों, ये जो मैं फंड यूज़ कर रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको ये माई फंड वाले ऑप्शन पर दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, ए वाले सेक्शन पर ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिलेटिव पोजीशन का, आपको दोस्तों इस पर आ जाना है। दोस्तों इसका काम है, आपको इस दोनों पर डबल टैप करना है, दोनों पर टैप करना है, तो इससे क्या होगा, जो आपका टेक्निकल देव है ये आपका बीचों बीच ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आप इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना, उसके बाद डबल यहाँ पर दोनों पर टैप कर देना, तो ये बीचों बीच सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और एक शेप ले लेना है, इस शेप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद इस शेप को थंबनेल के साइज का जो है बड़ा कर देना है और इसे ढक देना है पूरी तरह से, जैसे यहाँ पर मैं ढक रहा हूँ। ढकने के बाद आपको इसके कलर को जो है चेंज कर देना। चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे इसे स्क्रॉल करना है ऊपर। उसके बाद इस ग्रीन स्क्रीन को जो है आपको ले लेना है। उसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर जो लिखा हुआ ऑप्शन है टेक्निकल देव, इसको टच कर लेना है। उसके बाद आपको राइट साइड में दिखेगा टू फ्रंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से आपका जो टेक्निकल देव है पीछे था वो आगे आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको ए वाले सेक्शन पे आना है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा बी स्टाइल का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन दोनों बॉक्स को टच कर देना है, बी और आई को। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, अब हमें इसे मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आपको यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको दोनों को टिक मार कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करना है और बैक आ जाना है। उसके बाद हम करेंगे अब टेक्निकल देव के कलर को इरेज। इरेज करने के लिए आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन आपको दिखेगा इरेज कलर का, यहाँ पर आपको टैप करना है और इसे कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, अब हम इसे PNG फाइल में सेव करेंगे। PNG फाइल में सेव करने के लिए आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये PNG में बन जाएगा। उसके बाद आप इसे अब सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सेव एज इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी क्वालिटी को जो है आपको अल्ट्रा पे कर देना है। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों अब आ जाना है काइन मास्टर में और यहाँ पर दोस्तों मैं जो भी टेम्पलेट यूज़ करूँगा ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अभी जो हमने पिक्सल लैब ऐप में जो फ़ोटो अभी सेव किया है उसे हमें लेना है, तो आपको फिर से आ जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे।
उसके बाद आपको मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने पिक्सल लैब से अभी इमेज सेव किया है उसे हमें उठा लेना है। तो यहाँ पर मैं उसे ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके जो है टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इसे 7 सेकंड तक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब इसे थोड़ा फुल स्क्रीन पे थोड़ा लंबा कर देना है इसे। उसके बाद दोस्तों हमें जो ये दिख रहा है हमारा टेम्पलेट का एक्स्ट्रा पार्ट, इसे कट कर देना है, इसे टच करना है। उसके बाद आपको ट्रिम टू राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब हमें इसे सेव कर लेना है। सेव करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ राइट साइड पे क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद इसे सेव कर लेना है। आपको सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है। इसे सेव करने के बाद दोस्तों आपको फिर से पूरा बैक आना है और आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट जो है बनाना है। काइन मास्टर में आके आपको नया टेम्पलेट ऐड करना है। तो यहाँ से इस बार मैं एक टेम्पलेट ले रहा हूँ, ये वाला टेम्पलेट ले लेने के बाद दोस्तों अभी जो हमने काइन मास्टर से 7 सेकंड का ग्रीन स्क्रीन में जो वीडियो बनाया है उसे हमें ले लेना है। तो आपको लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, मीडिया पे आना है। उसके बाद यहाँ ब्राउजर में आने के बाद आपको जो है उस वीडियो को यहाँ से उठा लेना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना है हमें। उसके बाद जो है हमें क्रोमा की जो है इनेबल कर देना है जिससे ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। इनेबल करने के बाद दोस्तों अब इसे फुल स्क्रीन पे कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें जो है एनिमेशन ऐड करना है। एनिमेशन ऐड करने के लिए हमें इस ग्रीन को इसको टच करना है। उसके बाद इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा वाइप राइट का, और इसके टाइमिंग को आपको कर देना 1.5 के बीचों बीच यहाँ पर। इतना करने के बाद दोस्तों अब इसे हमें चला के देख लेना है कि हमारा वीडियो ये अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी जो है टेक्निकल वेव है ये थोड़ा पहले आ जा रहा है, तो आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन को खींच कर थोड़ा सा पीछे कर देना है जिससे कि इंट्रो पहले जाए उसके बाद आपका नाम पीछे से आए। इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ बीचों बीच में जब जहाँ से इंट्रो ख़त्म होता है वहाँ पर आपको टच करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और टेक्स्ट पे आना है। यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ www.youtube.com और यहाँ पर मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ टेक्निकल लेव के नीचे इस तरह से फिट कर देना है। फिट करने के बाद दोस्तों आपको इसके फ्रंट को जो है चेंज करना है, तो आपको डबल ए वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से एक फ्रंट अच्छा सा ले लेना है। यहाँ पर जो मैं फ्रंट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है रोबोट ब्लैक इटैलिक, इस वाले फ्रंट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके कलर को चेंज करना है, तो आपको यहाँ कलर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट टैप करना है और यहाँ से ब्लैक कलर जो है आपको ले लेना है। और इसमें भी दोस्तों हमें एनिमेशन ऐड करना है, तो आपको इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और सेकंड वाला फेड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसकी टाइमिंग को 1.1 या 2 पे कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा जो है इंट्रो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे आपको कट कर देना है, यहाँ पर ट्रिम टू राइट पर यहाँ पर क्लिक करके इसे कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब हम इसे आपको चलाकर दिखाते हैं हमारा इंट्रो दिख कैसे आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।